सो लेट वन नाइट अली वॉज स्टडिंग फॉर हिज RIMC एंट्रेंस एग्जाम व्हेन द लाइट्स वेंट आउट. ठीक है, ही लिट टू कैंडल्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन थिकर देन दी अदर. ठीक है, तो दो कैंडल्स हैं, ये थोड़ी सी मोटी कैंडल है, लेंथ बराबर है. ठीक है, ये थोड़ी सी मोटी कैंडल है, इस तरीके से बनाता हूँ, और दूसरी जो कैंडल है वो थोड़ी सी पतली कैंडल है. ओके, बट डू रिमेंबर द फैक्ट कि दोनों कैंडल्स की जो लेंथ है, या आप हाइट भी कह सकते हैं, ओके, वो बराबर है. ये दो कैंडल्स हैं. ठीक है, इनको जला देता हूँ इस तरीके से, पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको रियल लगे. ठीक है, दिज आर टू कैंडल्स. ओके, इनकी जो लेंथ है वो बराबर है. अच्छा, क्या दिया, द थिक कैंडल इज सपोज टू लास्ट फॉर 6 आवर्स. ये अगर जल गई तो पूरा 6 घंटे तक रोशनी देगी. ठीक है, 6 आवर्स. ओके, और दूसरे कैंडल के बारे में क्या दिया है, एंड द थिन फॉर 2 आवर्स लेस. और जो ये पतली वाली कैंडल है वो इस थिक वाली कैंडल से 2 घंटा कम जलेगी, तो कितने, 4 आवर्स. ओके, अच्छा, व्हेन ऑल वेंट टू स्लीप द थिक कैंडल. ठीक है, अच्छा, अब ये कैंडल मुझे नहीं पता कितने टाइम के लिए जली. सपोज मैंने जला दी ये दोनों कैंडल्स, सपोज मेरा एग्ज़ाम है. ठीक है, सपोज टुमारो इज़ माई एग्ज़ाम. ओके, एंड आई लिट बोथ द कैंडल्स. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सपोज आई हैव स्टडीड फॉर एक्स आवर्स. सपोज मैंने एक्स आवर्स पढ़ाई करी. ठीक है, और एक्स आवर्स पढ़ाई करने के बाद तो मेरी पढ़ाई हो गई, अब मैंने मोमबत्ती बुझा दी. तो जब आई वेंट टू स्लीप द थिक कैंडल वॉज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द थिन कैंडल. तो जब मैंने बुझाई, जाहिर सी बात है दोनों कैंडल्स जली होंगी और दोनों कैंडल्स थोड़ा सा कम हुई होंगी, तो उस वक्त जो थिक कैंडल थी, लेट मी ड्रॉ वन मोर डायग्राम फॉर यू. ठीक है, उस वक्त जो थिक कैंडल थी, सपोज दिस इज द थिक कैंडल. ओके, जो ये थिक कैंडल थी, इसकी जो लेंथ थी, इट वॉज ट्वाइस द थिन कैंडल. तो थिन कैंडल थोड़ी सी बनाता हूँ, छोटी सी ऐसी बची. ठीक है, ओके, इस तरीके से. ठीक है, ये आफ्टर एक्स आवर्स वाला सिनेरियो है. ओके, समझ में आ रहा है, अगर इसकी हाइट, अगर इसकी लेंथ एल है सपोज, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इट्स लेंथ विल गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ एल. दिस इज द कंडीशन आफ्टर एक्स आवर्स गिवन टू यू. ठीक है, ओके, तो इस कंडीशन को हम बाद में लेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दिस. ठीक है, सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग हियर. ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देखना, सो दिस मच इज क्लियर आई थिंक सो. अच्छा, फ्यू स्टूडेंट्स आर सेइंग 2 आवर्स, फ्यू आर सेइंग 3 आवर्स. चलो लेट्स सी. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है मुझे. तो दो कैंडल्स हैं ऑफ सेम लेंथ, लेकिन एक थोड़ी सी मोटी है और एक थोड़ी सी पतली है. एक पूरे 6 घंटा चलती है और एक 4 घंटा जलती है. ठीक है, और दोनों को मैंने एक्स आवर्स जलाया, और एक्स आवर्स जलाने के बाद जब मैंने मोमबत्तियाँ बुझाई, तो जो मोटी वाली कैंडल थी, दिस वन इज थिक, दिस वन इज थिन, दिस वन इज थिक, दिस वन इज थिन, और एंड आफ्टर एक्स आवर्स. ओके, आफ्टर एक्स आवर्स जो थिक कैंडल है उसकी लेंथ कितनी है, इट इज़ नथिंग बट द ट्वाइस ऑफ. ठीक है, सो द लेंथ ऑफ थिक कैंडल इज नथिंग बट द ट्वाइस ऑफ थिन कैंडल. दिस वट इज़ गिवन टू यू. ठीक है, इसकी जो लेंथ है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ थिक इज इक्वल टू 2 into लेंथ ऑफ थिन कैंडल. ठीक है, चलो ओके, अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, सी नाउ. अब इसको अच्छे से समझना. ठीक है, अब आपको पता है, सी व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू अप्लाई यूनिटरी मेथड हियर. ठीक है, मुझे क्या लगाना है, मुझे लगाना है यूनिटरी मेथड. ओके, सपोज इस कैंडल की हाइट कितनी है, एच, तो इस कैंडल की हाइट भी कितनी होगी, एच, या लेंथ भी कह सकते हो आप, लेंथ एच एच. ठीक है, तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर मैं बात करूँ थिक कैंडल की, थिक, इफ आई टॉक अबाउट थिक कैंडल. ठीक है, तो थिक कैंडल के केस में आई एम जस्ट अप्लाइंग द यूनिटरी मेथड. आप इसको अच्छे से देखिएगा,
थिक कैंडल के केस में जो थिक कैंडल है वो 6 आवर्स में कितनी खत्म, कितनी जल जाएगी, एच हाइट उसकी खत्म हो जाएगी। सी मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, यूनिटरी मेथड किस में लगा रहा हूँ, कितनी कितना जो कैंडल है वो कंज्यूम होगा, पूरा कैंडल कंज्यूम हो जाएगा, एच हाइट उसकी 0 हो जाएगी। तो 6 आवर्स में पूरी एच हाइट कंज्यूम हो रही है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द कंज्यूम्ड हाइट, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कंज्यूम्ड हाइट, एंड दिस इज टाइम 6 आवर्स में। लेकिन जल तो सिर्फ एक्स आवर्स रही है कैंडल, और डेफिनेटली एक्स आवर तो 6 आवर से कम ही होगा क्योंकि कैंडल बच रही है ना, पूरी कंज्यूम नहीं हो रही। सो डेफिनेटली अगर 6 आवर्स में एच कंज्यूम हो रही है कैंडल, तो एक्स आवर्स में कम कंज्यूम होगी, लेस, और लेस का फॉर्मूला होता है लेस बाय मोर इंटू इंडिविजुअल वैल्यू। तो लेस इज एक्स, एक्स बाय 6 इंटू इंडिविजुअल वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू कितनी है एच, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स एच बाय 6 कैंडल विल गोइंग टू कंज्यूम। सो रिमेनिंग कितनी बचेगी, मैं कंज्यूम की बात कर रहा हूँ, मतलब उतनी कैंडल खत्म हो जाएगी। सो द रिमेनिंग आफ्टर एक्स आवर्स, आफ्टर एक्स आवर्स द रिमेनिंग थिक कैंडल विल बी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके लिए, आफ्टर एक्स आवर्स, ठीक है, द रिमेनिंग थिक कैंडल, थिक कैंडल कितनी बचेगी, उसकी टोटल लेंथ ही एच, माइनस कितना कितना चले गया, एक्स एच बाई 6, इतनी कंज्यूम हो गई, समझ रहे हो। सो टोटल लेंथ में से मैं, टोटल लेंथ में से मैं इतना जितनी कैंडल कंज्यूम हुई है उसको माइनस कर दूंगा। दिस इज नथिंग बट द कैंडल विच इज़ कंज्यूम्ड, ओके। इतनी हाइट कम हो चुकी है, तो कितनी हाइट बची, द रिमेनिंग हाइट, दिस इज द रिमेनिंग हाइट और द रिमेनिंग लेंथ, आई शुड राइट द लेंथ, द रिमेनिंग लेंथ ऑफ थिक कैंडल इज दिस मच। इसको इफ यू विल सॉल्व यू विल गेट 6h, ओके, माइनस एक्स एच अपॉन 6, एंड यू कैन टेक एच कॉमन, सो वट विल गोइंग टू कम 6 माइनस एक्स अपॉन 6। सो दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग लेंथ आफ्टर एक्स आवर्स। हाँ, मुझे एक्स ही निकालना है कि मैंने कितने घंटे पढ़ा है, एक्स घंटे पढ़ने के बाद जो कैंडल बची थिक वाली वो कितनी बची, एच 6 माइनस एक्स अपॉन 6। सिमिलरली सिमिलरली आई अप्लाई द यूनिटरी मेथड विथ थिन कैंडल, थिन कैंडल क्या दिया है, थिन कैंडल की थिन कैंडल 4 आवर्स में कितनी जल जाएगी, एच हाइट जल जाएगी, हाइट मतलब एच लेंथ जल जाएगी, लेंथ तो सेम है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक्स आवर्स के लिए जला रहा हूँ, तो एक्स आवर्स के लिए लेस लेंथ होगी। तो लेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेस बाई मोर इंटू इंडिविजुअल वैल्यू, अगेन लेस बाई मोर मतलब एक्स बाई 4 इंटू एच, ओके। सो दिस विल नथिंग बट द कैंडल, ये जो एक्स एच बाई 4 आए, तो ये तो क्या हुई है, कंज्यूम हुई है जो कैंडल। अब रिमेनिंग थिन कैंडल कितनी बचेगी, रिमेनिंग लेंथ ऑफ थिन कैंडल, थिन पतली वाली, तो पतली वाली की जो हाइट थी वो भी एच थी, माइनस एक्स एच बाई 4। सो दिस विल गोइंग टू बी 4h माइनस एक्स एच बाई 4। इफ अगेन यू विल टेक एच कॉमन, इट विल गोइंग टू कम 4 माइनस एक्स बाई 4, ठीक है। तो इन दोनों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो लेंथ है, दिस वन, दिस इज द लेंथ, ये आफ्टर एक्स आवर्स वाली कंडीशन है, जलने के बाद दिस इज द लेंथ ऑफ अ ऑफ थिक कैंडल, ठीक है, थिक, और दिस इज द लेंथ ऑफ थिन कैंडल आफ्टर एक्स आवर्स, इतना जलने के बाद, और कंडीशन क्या दी है, जलने के बाद आफ्टर एक्स आवर्स, तो जो थिक कैंडल की जो लेंथ है दैट इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ, ठीक है, तो वो कंडीशन रख रहा हूँ, इन देन आई विल पुट वैल्यूज। सो वट इज गिवन टू यू आफ्टर एक्स आवर्स, अगेन आई एम राइटिंग इट, आफ्टर एक्स आवर्स लेंथ ऑफ थिक कैंडल इज नथिंग बट ट्वाइस 2 इंटू लेंथ ऑफ थिन कैंडल। सो लेंथ ऑफ थिक कैंडल कितना है, इट इज एच इन ब्रैकेट 6 माइनस एक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू, वट इज द लेंथ ऑफ थिन कैंडल, एच इन ब्रैकेट 4 माइनस एक्स अपॉन 4, दैट्स इट, वट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व इट, ओके। तो लेट मी सॉल्व दिस, वेरी इजी, 2 2s are 4, 2 3s are, एच एंड एच विल गेट कैंसिल, ठीक है, और 3 वहाँ चल जाएगा, सो दिस विल गोइंग टू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 4 माइनस एक्स, सो 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 3x,
सो दिस विल बी 3x माइनस x इज इक्वल टू 12 माइनस 6, सो दिस विल बी 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3 आवर्स, ठीक है, x इज इक्वल टू 3 आवर्स मतलब आफ्टर 3 आवर्स, ठीक है, अली कितने कितना घंटा पढ़ा, इसका मतलब अली स्टडीड फॉर 3 आवर्स, ओके, देयरफॉर अली स्टडीड फॉर 3 आवर्स, ठीक है।